नमस्कार मेरे इलेक्ट्रिशियन के जवानों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बी गोट क्लासेस में। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी जो पढ़ाई है उसको अच्छे तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। ठीक है, यह जो क्लास है ये तमाम सभी उन विद्यार्थियों के लिए है जो टेक्निकल से यानी कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे होंगे, साथ ही अभी वर्तमान में ITI फर्स्ट ईयर में होंगे। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर में है वह भी इस क्लास को देख सकते हैं ताकि कॉम्पिटिशन के लेवल की तैयारी अभी से आप शुरू कर सके। ठीक है, ITI में आपको एग्जाम के लिए ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन आगे भविष्य के लिए अगर आप अभी से तैयार होंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदा होगा। इसलिए सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन क्लास है, सभी इसको अच्छे तरीके से क्लास को जरूर देखें। ठीक है, कोई यहाँ पर टेंशन नहीं होनी चाहिए, कॉमन क्लास है क्योंकि टेक्निकल सब में समान होता है। ऐसा नहीं कि उस वैकेंसी में अलग उस वैकेंसी में अलग, ऐसा नहीं होता, सब में टेक्निकल कॉमन होता है। यह मैं फिर से आपको बता दूं, इसलिए थ्योरेटिकल पढ़िए, थ्योरेटिकल पढ़िए। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर आपने थ्योरेटिकल नहीं पढ़ा तो पहले ऑब्जेक्टिव ये जो वैकल्पिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको पहले नहीं पढ़ना है, पहले थ्योरेटिकल पढ़ना है उसके बाद में ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, तो अपन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो समझ में आएंगे। ठीक है, तो देखिए अपना जो चैप्टर चल रहा है वह दूसरा चैप्टर चल रहा है, पहला चैप्टर पहले समाप्त हो चुका है। दूसरा जो चैप्टर है विभिन्न मानक एवं ब्लेड औजार, जिसमें अपन ने एक वीडियो पहले अपलोड हो चुका है, आज ये दूसरा वीडियो रहेगा अध्याय दूसरे का। ठीक है, फिर से बता दूं कि वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। ठीक है, आज जो टॉपिक रहेगा प्लायर्स के बारे में रहेगा। ठीक है, उसके बाद में और अधिक अपन टूल्स पढ़ेंगे, लेकिन प्लायर्स जो है ना वह एक इलेक्ट्रिशियन का महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है। जितने भी प्रकार हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, उन सभी को अपन पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अधूरा पढ़ के छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, अपन को पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ेंगे। प्लायर, देखिए पहला टूल्स, आज का जो टूल्स रहेगा अपना वह क्या रहेगा, प्लायर। ठीक है, क्या रहेगा, प्लायर रहेगा। अब देखिए प्लायर भी है ना बहुत सारे प्रकार के होते हैं, एक एक कर कर सारे प्रकार अपन पढ़ेंगे, किसका क्या कार्य है वह भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी क्लास को जरूर देखना, और एक आपसे अनुरोध करेंगे कि वीडियो को लाइक कर दे पहले, है ना, ताकि अपन अच्छे तरीके से शुरुआत कर सके। वीडियो को क्या कर दो, आप लाइक कर दो और साथ ही अपने मित्रों तक इसको शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या के अनुसार अपन क्लास को ले सके। ठीक, अब देखिए प्लायर जो है ना, प्लायर है वह है सबसे पहला प्लायर, इसमें भी पहला नंबर का प्लायर पढ़ेंगे अपन। पहला नंबर का जो प्लायर है वह है अपना डायगोनल कटिंग प्लायर, डायगोनल कटिंग प्लायर, यानी कि इसको अपन हिंदी में क्या कहेंगे, तो विकर्ण विकर्ण कटिंग प्लायर। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है, डायगोनल और विकर्ण अलग अलग नहीं है, एक ही है, एक ही बंदे का नाम है, यानी कि कौन बंदा, प्लायर, उसी के ये दो नाम है। लेकिन इसको एक गांव में, जैसे कि कोई व्यक्ति होता है ना, उसके अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग जगह, अलग अलग घर पे अलग है, स्कूल में अलग है, फिर दोस्तों के बीच में अलग नाम है, तो अलग अलग नाम होते हैं, उसी प्रकार से इसके भी अलग अलग नाम है। तो देखिए एक तो ये इंग्लिश वाला तो ये हो गया, हिंदी वाला ये हो गया, और इसको एक और कहते हैं साइड कटिंग प्लायर भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, साइड कटिंग प्लायर, साइड कटिंग प्लायर भी इसको कहते हैं। ठीक है, और इसको देखिए साइड है ना, तो साइड को हिंदी में क्या कहते हैं, पार्श्व कहते हैं, तो पार्श्व कटिंग प्लायर भी इसी को ही कहते हैं, पार्श्व कटिंग प्लायर भी इसी को ही कहते हैं। तो ये देखिए एक बंदा नाम चार, ठीक है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना, वरना बच्चे अलग अलग पढ़ते हैं कि यार पार्श्व क्या होगा, विकर्ण क्या होगा, साइड क्या होगा, डायगोनल क्या होगा, तो ये सभी एक ही है, एक के ही इतने नाम है, समझिए तेरे नाम हजार कैसे लिखे है ना, वो वाला सूत हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए डायगोनल कटिंग प्लायर जो होता है ना, इसका कार्य क्या है। वैसे मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि प्लायर जो है ना ये उच्च गुणवत्ता युक्त सभी प्लायर्स के लिए है ये। ठीक है, सभी प्लायर्स के लिए, जितने भी अपन प्लायर्स पढ़ेंगे उन सबके लिए यह कॉमन है कि वो जो गुणवत्ता युक्त स्टील के बने होते हैं। ठीक है, स्टील के बने होते हैं, बने होते हैं, होते हैं। ठीक है, देखिए प्लायर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि प्लायर किस धातु से मिलकर बनता है, तो प्लायर जो है ना उच्च गुणवत्ता युक्त स्टील का बना होता है, स्टील की जगह इस्पात भी दे सकता है, क्योंकि स्टील को ही हिंदी में इस्पात कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूजन सारे में क्लियर करूंगा,
देखिए ऑब्जेक्टिव पढ़ने से कंफ्यूजन क्लियर नहीं होते, थ्योरेटिकल पढ़ने से ही कंफ्यूजन क्लियर होते, इसलिए आपको थ्योरेटिकल पढ़ना है। ठीक है, कम व्यास वाले तार, ठीक है, प्रयोग क्या है इसका, प्रयोग प्रयोग कहें या उपयोग कहें, ठीक है, प्रयोग या उपयोग कोई दिक्कत नहीं है। तो कम व्यास है ना, कम व्यास वाले तारों, तारों के शहर में जाना चाहते हो क्या? कम व्यास वाले तारों को काटने के लिए, देखिए इलेक्ट्रिशियन होता है ना जो तारों के शहर में ही रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन जो है ना वो तारों के शहर में रहता है क्योंकि वो तारों में ही उलझा रहता है। ठीक है, तो तारों के शहर में तो अपन चलेंगे ही सभी, कम व्यास वाले तारों को काटने के लिए। और साथ ही अभी ध्यान रखना, टर्मिनल के नजदीक होने चाहिए, टर्मिनल टर्मिनल के नजदीक, नजदीक वाले वाले वायर, ठीक है, टर्मिनल के नजदीक वाले वायरों को काटने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? डायगोनल कटिंग प्लायर का प्रयोग करेंगे। और कम व्यास वाले तारों को काटने के लिए भी किसका प्रयोग करेंगे? डायगोनल कटिंग प्लायर का उपयोग करेंगे। साथ ही देखिए इंसुलेशन, इंसुलेशन को छिलने के लिए भी, छिलने के लिए भी इंसुलेशन भी छिल सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और एक और कार्य है जो क्वार्टर पिनों को विभाजित करने में, ठीक है, क्वार्टर पिन जो होती है ना, क्वार्टर पिन को विभाजित करने के लिए, ठीक है साहब, हाँ जी सर, ठीक है, हाँ। तो ये आपके हो गए, कौन सा प्लायर हो गया? ये अपना डायगोनल कटिंग प्लायर हो गया, जिसकी सारी विशेषताएं मैंने यहाँ पर लिखवा दी। अब पढ़ेंगे अपन दूसरा। देखिए डायग्राम तो आपको मैं बता ही रहा हूँ, आपको वीडियो में दिख ही रहा है कैसा इसका चित्र होता है, ठीक है, हाँ। दूसरा नंबर का है अपना, दो नंबर, जो कि है एंड कटिंग, कटिंग प्लायर, ठीक है सर। इसको देखिए एंड कटिंग प्लायर है, तो इसका हिंदी में नाम भी एंड कटिंग प्लायर ही याद रखो, कोई दिक्कत नहीं, इसका नाम एक ही है, ठीक है, इसमें अपन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए ये क्या है कि जो कम, ये भी है ना, कम व्यास वाले तारों को काटेगा, कम व्यास वाले तारों को काटने के लिए, काटने के लिए। अब आप यहाँ पर बात ये करोगे, जब यही कम व्यास वाले तारों को काट रहा है तो फिर इसको बनाने का कारण क्या है? तो ये कर रहा है वो काम, तो फिर इसका कार्य क्या है? तो इसका कुछ कार्य तो होगा, तभी तो बनाया है। तो मैं बताता हूँ इसका कार्य क्या है। ये क्या करता है कि लकड़ी में से कीले निकालने के लिए, कीले निकालने के लिए, ठीक है। वैसे एक क्लॉक हैमर भी आता है, वो भी कीले निकाल सकता है, लेकिन ये भी क्या करता है, लकड़ी में से कीले निकाल सकता है, ठीक है। और देखिए कीलियों को काटने के लिए भी काम में लेते हैं इसको, लकड़ी में से निकालने, और देखिए कीलों को काट भी सकता है, काटने के लिए भी, काटने के लिए भी, ठीक है साहब। ये ध्यान रखना, दोनों के बारे में हो गया। अब अपन पढ़ेंगे कौन सा, फ्लैट नोज प्लायर, कौन सा तीसरा पढ़ेंगे अपन, फ्लैट नोज प्लायर, ठीक है, तो यही अपना फ्लैट नोज प्लायर। इसका फ्लैट यानी कि जो इसका जबड़ा होता है ना, वो फ्लैट आकार का होता है, तो जो आयताकार चपटी चीज होती है उसको पकड़ने के लिए इसको काम में लेते हैं। फ्लैट है ना, प्लेन है, जैसे कि ये है, इस तरीके से प्लेन है इसका जबड़ा, तो फ्लैट चीज को पकड़ने के लिए काम में लेंगे, ठीक है, तो ऐसे फ्लैट चीज को पकड़ लेता है, ठीक है। गोल चीज को पकड़ने के लिए इसको काम में नहीं लेते, इसको गोल चीज को पकड़ने के लिए काम ही नहीं लेते, इसको फ्लैट चीज को पकड़ने के लिए काम में लेते हैं, ध्यान रखना, हाँ, फ्लैट चीज को पकड़ने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। जबड़ों की आकृति कैसी होती है इसकी? फ्लैट आकार की होती है। तो ये क्या वो करता है कि छोटे तारों व किसी वस्तु के छोटे टुकड़े बनाने के लिए, है ना, टुकड़े टुकड़े
वाले आकार बनाने के लिए, वाले आकार बनाने के लिए, आकार बनाने के लिए देखिए कैसे होगा। मान लीजिए चादर है, इसको आपको कैसा बनाना है, ये ऐसा बनाना है, क्या करेंगे, प्लायर से इसको पकड़ेंगे और ऐसे मोड़ देंगे तो ऐसा मुड़ जाएगा 90 डिग्री के एंगल पर, या ऐसा बनाना हो ठीक है तो ऐसे शेप बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे अपन, इस फ्लैट नोज प्लायर का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, तो फ्लैट नोज प्लायर का अपन क्या करेंगे, उपयोग करेंगे ठीक है। छोटे भागों को पकड़ने के लिए भी काम में लेते हैं इसको, छोटे जो भाग होते हैं, छोटे भागों को पकड़ने के लिए भी, पकड़ने के लिए ठीक है साहब। हाँ तो ये मैंने बताया आपको, तीन अपने औजार हो चुके हैं, अब जो बचा है अपने उसको पढ़ लेते हैं। चौथा नंबर पढ़ते हैं, वह है राउंड नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर। राउंड नोज प्लायर जो है ना, उसमें क्या होता है कि इसके जो जोब होते हैं, जो इसके जबड़े होते हैं, वो शंक्वाकार होते हैं। तो बनाना है ये चंद्र पूरा प्लेन है, इसको कैसा बनाना है, इस तरीके से चंद्र को बनाना हो तो किसका प्रयोग करेंगे, इस प्लायर का प्रयोग करेंगे ठीक है। तो वक्राकार आकृति, वक्र आकृति को क्या देना है, वक्राकार बनाना है। जबड़ों की आकृति कैसी होती है, सबसे पहली बात तो ये, तो जबड़ों की आकृति जो होती है ना, जबड़ों की आकृति शंक्वाकार कौन सी होती है, शंक्वाकार होती है। और वक्र रूप प्रदान करने के लिए आकृति को वक्र वक्र आकार आकार प्रदान करने के लिए ठीक है। तो ये वक्राकार आकृति प्रदान करने के लिए इसको प्रयोग में लेंगे अपन। अब आता है अपना पांचवें नंबर का, इनमें बस यही चीजें याद रखनी, क्वेश्चन ये पूछता है वक्राकार आकृति प्रदान करने के लिए किस प्लायर का उपयोग करते हैं, तो इसके लिए अपन राउंड नोज प्लायर का उपयोग करेंगे। जबड़ों की आकृति शंक्वाकार किस प्लायर की होती है, तो राउंड नोज प्लायर की आकृति राउंड नोज प्लायर की होती है ठीक है। आप जब ये क्वेश्चन ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालोगे ना, तो मैं कहता हूँ आपको कि 90 से 95% के लगभग क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर से मिल जाएंगे ठीक है। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप निकालो, तो कौन से निकालो, इस चैप्टर वाले जरूर निकालना आप, टूल्स वाले, तो आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैं फिर से कह देता हूँ आपको ठीक है। देखिए अब पढ़ते हैं अपन पांचवें नंबर का, जो कि लॉन्ग नोज प्लायर ठीक है। कौन सा प्लायर है, लॉन्ग नोज यानी कि लंबी नोज होगी इसकी, नोज यानी कि जो इसका मुंह होता है ना, जबड़ा जो पकड़ने के लिए काम है, वो क्या होगी, इसकी लंबी होगी, इस तरीके से होगी ठीक है, ठीक है इस तरीके का होगा, वैसे चित्र में आपको दिख ही रहा होगा ठीक है। तो लॉन्ग नोज फ्लायर, तो इसकी जो इसका जो जबड़ा होगा वो कैसा होगा, जबड़ा कैसा होगा, इसका जबड़ा लंबा होता है, लंबा होता है, क्योंकि नाम से पता पड़ रहा है लॉन्ग नोज है, तो लंबा जबड़ा होता है इसका है ना। और आकृति को के जो इसका काम है ना, वो क्या है, तो इसका जो काम है वह है छोटे भागों को सीमित परिक्षेत्र में पकड़ने के लिए, जो छोटे भाग होते हैं, छोटे भागों है ना, जैसे आपके सिक्का है या कोई छोटी मोटी चीज है ना, इन चीजों को निकालने के लिए, या छोटे भागों को सीमित यानी कि सकड़ी जगह, सीमित सीमित यानी कि सकड़ी, सकड़ा 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 या सकड़ी है ना, सकड़ी सीमित परिक्षेत्र क्षेत्र में पकड़ने के लिए ठीक है, पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये लॉन्ग नोज प्लायर भी समाप्त हो गया। अब आता है आपका छठा, जो कि आखिरी प्लायर है, जो सभी प्लायरों का राजा है, जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर। ये कॉम्बिनेशन जो प्लायर है ना, इसका पूरा नाम क्या है, तो इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन। अभी कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि ये सभी कार्य को कर सकता है, कॉम्बिनेशन प्लायर है, ये सबका ही बाप है, ये सबका ही क्या है, ये जितने भी पढ़े ना उन सबका बाप है,
इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर, ठीक है। ये जो प्लायर है ये सभी के घरों पे मिल जाएगा, सबके घर पर रहता है, क्योंकि किसी के भी कुछ भी काम के लिए जरूरत पड़ सकती है, सभी अपने घर पर जरूर रखते हैं इसको, ठीक है। तो इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर, इसका कार्य क्या है कि किसी भी वस्तु को पकड़ने, जकड़ने जकड़ने या मरोड़ने, के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। साथ एक और ये लिखो कि वायर कम व्यास वाले, ना कम व्यास वाले, वाले वायर को काटने के लिए, ठीक है। कम व्यास वाले वायरों को काटने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए सब काम कर लेता है, या किसी चीज को मरोड़ना हो तो उसमें भी काम में लेते हैं, किसी चीज को पकड़ना हो तो भी काम में लेते हैं, और जकड़ने के लिए भी काम में लेते हैं, और व्यास कम व्यास वाले वायरों को काटने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये कॉम्बिनेशन प्लायर है, सभी काम में इसको अपन ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हो गया अपना प्लायर समाप्त। अब देखिए सावधानियां पढ़ लेते हैं प्लायर की, सावधानियां क्या बरतनी है प्लायर को प्रयोग करते हुए। सावधानी, तो देखिए किसी भी प्लायर से है ना स्टील स्टील वायर नहीं काटना चाहिए, स्टील का तार नहीं काटना चाहिए, स्टील वायर नहीं काटना चाहिए, स्टील का जो तार होगा उसको इस प्लायर से नहीं काटना चाहिए, क्योंकि स्टील का तार बहुत मजबूत आता है ना, SASR तार आता है ना, उसके अंदर आता है यह एक तार, ये बहुत ही मजबूत आता है, तो स्टील वायर को नहीं काटना चाहिए। साथ ही गर्म वस्तु को भी नहीं पकड़ना चाहिए, गर्म वस्तु को भी नहीं पकड़ना चाहिए, देखिए गर्म वस्तुएं के लोग पकड़ते हैं लेकिन नहीं पकड़ना चाहिए। कारण यह है कि इसका जो इंसुलेशन होता है ना, जो प्लेट्स के ऊपर जो इंसुलेशन चढ़ा होता है वो इंसुलेशन क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, तो फिर उसको जो जीवित लाइन है, जो करंट वाले तार हैं, उनको पकड़ने में भी अपन को करंट का झटका लग सकता है, क्योंकि इंसुलेशन खराब हो जाएगा। तो गर्म वस्तु को भी नहीं पकड़ना चाहिए, और इसका जो इंसुलेशन है ना उसको बनाए रखना चाहिए, इंसुलेशन को बनाए रखना चाहिए, रखना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अपना हो गया, और ये इसका जो रिवेट होता है ना, रिवेट रिवेट क्या होता है मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको, कि जैसे कि ये प्लायर है, और ये जगह जो होता है ना, जो नट लगा होता है यहाँ पर, इसको कहते हैं रिविट। तो इसके जो रिविट है ना, तो रिविट में समय समय पर मोबिल ऑयल डालना चाहिए, मोबिल ऑयल डालें, इससे क्या होगा कि घर्षण कम होगा और वो अच्छे से वर्क करता रहेगा, जाम नहीं होगा, ठीक है। तो ये थे अपने प्लायर, जो कि आज के चैप्टर में अपन ने किया है, इसी में काफी समय हो चुका है, तो आगे की क्लास अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।